हे गाइस, द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। द डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों मनाई जाती है होली, जाने इस त्योहार से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भगत था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने में अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़ धू धू करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपया से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होलिका त्योहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खम्बे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधिकाल में दरवाजे की चौकट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली त्योहार मनाया जाने लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे। शुक्रिया।